डॉक्टर ने जीभ के टूटने के ऑपरेशन की जगह कर दिया खतना। थाना बारादरी के संजय नगर निवासी हरिमोहन यादव का 2.5 साल का बेटा सम्राट बोल नहीं पाता था। किसी ने उनसे कहा कि बेटे की जीभ का ऑपरेशन तुतना करा दे तो सही हो जाएगा। उन्होंने देलापीर स्थित एक निजी अस्पताल में उसे ऑपरेशन के लिए भर्ती करा दिया। उनका आरोप है कि दूसरे समुदाय के डॉक्टर ने उनके बेटे का तुतने का ऑपरेशन करने के बदले खतना कर दिया। जब उन्हें पता चला तो वह हैरान हो गए। तुरंत ही घटना की सूचना आग की तरह फैल गई। घटना की सूचना पर हिंदू जागरण मंच के नेता मौके पर पहुंच गए। हरिमोहन का आरोप है कि डॉक्टर ने ये कृत्य जानबूझकर किया है। अस्पताल वाले उन पर समझौते का दबाव बना रहे हैं, लेकिन वह आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, जिससे आगे जाकर इस तरह से डॉक्टर अन्य किसी के साथ ऐसी घटना को न कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिमोहन यादव है। कहाँ रहने वाले हैं? संजय नगर थाना पारादरी। क्या हुआ आज आपके साथ? बेटे का हम का नाम तुतना कटवाने आए थे, इन्होंने क्या करा है, मुसलमानी डायरेक्ट करी, कोई हिंदू से मुसलमानों कन्वर्ट करना। क्या बताया गया था आपको? हमें तो हमने जो बताया वही बताया कि उन्होंने क्या है कि जो भी पहली बार तो बुलाया जाता है, जो भी ऑपरेशन होता है कुछ भी होता है बुलाया जाता है। अब जो उनके मन में हिंदू से मुसलमान बनाना है तो क्यों बुलाएं? क्या नाम था बेटे का आपका? उनका नाम है सम्राट यादव। कौन सा हॉस्पिटल आए थे आप? एम के खान, डॉक्टर जावेद खान। हॉस्पिटल का नाम क्या है? एम के खान। भैया ये कितने साल का बच्चा है आपका? 2.5 साल का बेटा है। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर आपसे? वही हमें फैसले का दबाव बनाया जा रहा है, फैसला कर लो। हम फैसला नहीं, नहीं हमें केस करना, अपने आगे के भाइयों को भी बचाना है। क्या आपको क्या लगता है जानबूझ के किया गया है? इस कारण चाहे मेरी जान भी चली जाए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज आप एम खान हॉस्पिटल आए हैं, क्या मामला है बताइए? एक हमारे हिंदू समाज के बच्चे का सुन्नत कर दिया, मुसलमानी कर दी उसको। उसने जीभ के नीचे का ऑपरेशन कराना था और कर दिया उसने नीचे का। अब वो हमारा एक कम हो गया और एक कहीं बढ़ गया। हॉस्पिटल आके डॉक्टरों ने क्या कहा, बात की थी डॉक्टर? डॉक्टर लोगों से बात यही है कि वो तो अपना हर आदमी बचने के लिए अभी करेगा, तो कानून का शिकंजा बड़ा है और उसके अंदर ये फंसते नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पैरोकार उन्होंने लगा रखे हैं, साथ साथ दलाल भी लगा रखे हैं कि कैसे भी समझौता करा दो, लेन देन का काम चल रहा है। बाकी शायद मुमकिन नहीं होगा, नहीं तो हमारे समाज के लोगों के साथ दोबारा समाज के लोग खड़े नहीं होंगे। क्या लगता है कि जानबूझ के किया गया है? हम तो ऐसे ही समझ रहे हैं, अगर किसी का हाथ का ऑपरेशन होना तो डॉक्टर ये तो देखता ही है, हाथ का ऑपरेशन होना तो क्यों है, उसके समझने में भी अगर गलती हुई है तो। परिवार वालों से बातचीत हुई, क्या बोला परिवार वालों ने? हाँ परिवार वाले कार्रवाई चाह रहे हैं, लेकिन जो बीच के लोग लगे हुए ना वही वाले, तो उनकी ये इच्छा है कि ये कैसे भी निपट जाए। क्या